चुनाव समिति की बैठक आज लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची हो सकती है जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज में हूँ आपके साथ रंजन। आई लोग करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों कैंडिडेट्स के नाम पर सीईसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक मीटिंग में फैसला हो सकता है, जिसमें से 10 से 12 प्रत्याशियों के नाम की भाजपा बीजेपी जल्द घोषणा कर सकती है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल होंगे। बैठक में भाजपा जातिगत समीकरण के साथ चयनित करने वाली सीटों पर नाम तय कर घोषित कर सकती है। इसमें छिंदवाड़ा, मंडला, धार, खंडवा समेत अन्य सीटें हैं। वे सुरक्षित सीटों पर पार्टी बाद प्रत्याशी की घोषणा कर सकती है। नए चेहरों का मौका, भाजपा इस बार हर नए चेहरों को मौका दे सकती है। वही 3 से ज्यादा बार के सांसदों से दूरी बनाएंगे इस बार भाजपा चुनाव को अपने पक्ष में मान कर चल रही है। ऐसे में नए युवा चेहरों को मौका देकर पीढ़ी परिवर्तन का संदेश देना चाहती है। वही वरिष्ठ सांसदों को कोई दूसरी जिम्मेदारी दे सकती है। भाजपा ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाया था, इसमें से 2 सीट पर सांसद विधानसभा का चुनाव हार गए थे। 5 सीट मुरैना, दमोह, होशंगाबाद, सीधी, जबलपुर सीट से सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद खाली हो गई थी। इन 7 सीटों पर पार्टी नए प्रत्याशियों को मौका दे सकती है। अलावा पार्टी 8 से ज्यादा सीटों पर मौजूद सांसदों के टिकट काटेगी। इनके नाम की चर्चा भोपाल पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, रामेश्वर शर्मा, आलोक शर्मा, इंदौर शंकर लालवानी, रमेश मेंदोला, गौरव रणिदेवी, पुष्मित्र भार्गव, जीतू जिराती, जबलपुर विनोद गोटिया, आशीष दुबे, प्रशांत सिंह, ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, जेभान पपिया, गुना ज्योतिरादित्य सिंधिया, केपी यादव, नरोत्तम मिश्रा, भारत सिंह कुशवाहा, रणवीर सिंह रावत, भिंड लाल सिंह आर्य, रणवीर जाट, दमोह पहलाद पटेल, गोपाल भार्गव, प्रीतम लोधी, ऋषि लोधी, सपना डॉक्टर, निधिता पाठक, सपना वर्मा, नरेंद्र त्रिपाठी, गणेश सिंह सीधी से, सदेदु तिवारी, कांतदेव सिंह, के तिवारी, छिंदवाड़ा नंदन शाह, कमरेती उत्तर ठाकुर, बंटी साहू, होशंगाबाद दर्शन सिंह, भरत सिंह, विदिशा, शिवराज सिंह चौहान, रामपाल सिंह, श्याम सुंदर। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कांग्रेस पार्टी ने हिंदी चीन भाई भाई का माला जपके 45,000 स्क्वायर किलोमीटर भारत माता की धरती को चीन को दे दिया अपने गिरेबान में झांक।